साल 2014 के लोकसभा चुनाव में काशीवासियों ने नरेंद्र मोदी को विजयी बनाया था। जनता को धन्यवाद के लिए वादे भी कई किए गए कि काशी को क्योटो बना देंगे। इलाके की तस्वीर के साथ साथ तकदीर भी बदलने का दावा किया गया था। वादे जो किए गए उन्हें पूरा करने का भी अब काम हो रहा है। दिवाली के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को 2400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को तोहफा दिया है। फोर लेन की एक रोड है बाबतपुर और वाराणसी को जोड़ने वाली, जिससे ट्रैफिक कंजेशन बहुत कम होगा और ट्रैवल टाइम बचेगा। शहर से बाहर ही गाड़ियां निकल जा सकेंगी, जिससे कि ट्रैफिक का दबाव शहर पर कम हो। रामनगर में बंदरगाह की सौगात, हल्दिया से वाराणसी तक वाटरवे की सौगात, वाराणसी से बाबतपुर तक फोर लेन हाईवे, आजमगढ़ से बनारस हाईवे की सौगात भी दी गई है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा भी किया गया है। काशी के लिए, पूर्वांचल के लिए, पूर्वी भारत के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए आज का ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज वाराणसी और देश विकास के उस कार्य का गवाह बना है जो दशकों पहले होना जरूरी था लेकिन नहीं हुआ। सौगातें काशी को दी गई है, जनता से किए गए वादों को पूरा किया जा रहा है। इन सब के बीच उम्मीद बीजेपी भी लगाए बैठी है कि अब की बार फिर से काशी की जनता बीजेपी में भरोसा जताएगी। जिस तरह से लोकसभा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान दिखा था।